नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। जेईई मेंस 2022 फेज 1 में जेआरएस ट्यूटोरियल्स के अभिनीत सिंह फर्स्ट सिटी टॉपर और अरविंद यादव सेकंड सिटी टॉपर्स घोषित हुए हैं। 11 जुलाई को घोषित जेईई मेंस 2022 की अखिल भारतीय परीक्षा में जेआरएस ट्यूटोरियल्स के छात्रों ने शानदार सफलता अर्जित की है। अब तक घोषित रिजल्ट के अनुसार संस्था के 65 छात्रों ने 98% या उससे ज़्यादा और 34 छात्रों ने 99% या उससे ज़्यादा % प्राप्त करके संस्था काशी को गौरवान्वित किया है। इस सफल छात्रों में अभिनीत सिंह 99.98%, अरविंद कुमार यादव 99.96%, के निशांत 99.85%, अभिनव सिंह 99.79, हर्ष मौर्य 99.73, रमन शर्मा 99.71, स्वप्निल पांडे 99.69, विनीत जायसवाल 99.65, सूर्यश सिंह 99.56 एवं देवान श्रीवास्तव 99.56 की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जेईई मेंस के फेज 2 की परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद 31 जुलाई से जेईई एडवांस की विशेष तैयारी के लिए जेआरएस में निशुल्क क्लास चलेगी। ज्ञातव्य है कि जेआरएस ट्यूटोरियल इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए पूर्वांचल की एकमात्र ऐसी संस्था है जो सफलता का पर्याय बन चुकी है। प्रतिवर्ष यहाँ से अनेकों छात्र अच्छे रैंकों के साथ सफलता अर्जित करते हैं। संस्था के निदेशक एके झा ने बताया कि जेआरएस ट्यूटोरियल्स पूरी तरह समर्पित अनुभवी शिक्षकों द्वारा संचालित एक संस्था है जो दिखावे के जगह परिणाम में विश्वास रखती है। संस्था के पाठ्यक्रम की तैयारी इस ढंग से कराई जाती है जिससे विद्यार्थियों को व्यापक आधार मिलता है और उसमें और अधिक जानने की उत्सुकता जागृत होती है। अपने अनुभवी अध्यापकों की सहायता से वे अपने उत्सुकता से सही ढंग से शांत कर लेते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। इस विशेषता के कारण ही जेआरएस ट्यूटोरियल के छात्र प्रतिवर्ष बोर्ड के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में विशिष्ट सफलता प्राप्त करते हैं। बताएं आज क्या है खास आपके जेआरएस के लिए? केवल जेआरएस के लिए नहीं है, सबके लिए है, बच्चों के लिए मेन है। और जेई इस बार जेई मेन 2 फेज में एग्जाम होना है, पिछले साल 4 फेज में हुआ था लेकिन सरकार को भी लगा कि 4 फेज बेकार है, तो इस बार 2 फेज किए हैं। 2 फेज चलेगा, अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम आया है, अब सेकंड फेज का फिर 20 से लेके 30 तक होना है ना। और दोनों फेज के आधार पर जिसका ज़्यादा होगा उसी बेसिस पर रैंक आएगा। तब ये परसेंटाइल दिए हैं और हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट परसेंटाइल है 199.982740 है, 99.982740, जो बहुत सारे बड़े बड़े संस्था हैं सो कॉल्ड, है ना, उनका भी इस रेंज में नहीं आया है। और एक ही बच्चे नहीं है, कई सारे बच्चे हैं, लगभग 35 बच्चे जो हैं 99% से ऊपर हैं, लगभग 65 बच्चे 98% से ऊपर हैं। अपने छात्रों को किस प्रकार का हम लोग बनारस की नंबर 1 कोची की बात की जाए, जेआरएस आज नंबर 1 के पायदान पे अभी है खड़ा? बनारस के बारे में तो हम कभी सोचे ही नहीं कि बनारस में भी हमें सोचना पड़ेगा, ये बात है ना, बनारस के लिए नहीं सोचते हम कभी। आज का जो परीक्षा परिणाम है या ये क्या इंडिकेट करता है? इसमें क्या इंडिकेशन कुछ नहीं है, बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं। बच्चों की संख्या भी कुछ कम हुई कोविड काल के बाद से? कोविड काल से नहीं, इस बार तो बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, पैसा कमा रहा है क्योंकि वो इनकम नहीं रह गई लोगों की, वो क्षमता नहीं रह गई, तो संख्या तो है क्योंकि कोविड काल में भी लोग संख्या बढ़ाए हैं, ऐसा थोड़ी तो है नहीं, ठीक है, जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन जो क्षमताएं हैं, है ना, ऐसा नहीं है केवल श्रीलंका आइसोलेटेड घटना है, वो हर जगह वो समस्याएँ हैं, तो जो क्षमताएँ हैं गार्जियन की वो कमी हुई है, तो कोचिंग से उसका ख्याल रखा है। कोचिंग, कई सारी कोचिंग संस्थाएं बनारस से बंद हो चुकी, लगभग आधा दर्जन कोचिंग संस्थाएं, इसके पीछे क्या कारण? आधा दर्जन नहीं बंद हुआ है, नहीं वो काली गिनती के लिए है, मेजर नहीं कोई बंद हुआ है, ऐसा थोड़े बहुत कुछ अपना थोड़ा बहुत किए हैं, सब आ जाएंगे सही लाइन पे, आनंद ही जैसा ना। आपकी क्या उपलब्धि है? सर जेईई मेंस का रिजल्ट आया, सर जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें ठीक अच्छा परसेंटाइल आया है। आगे क्या करने का आपका है? सर IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं सर।
जेआरएस में किसका विशेष योगदान रहा? सर के संस्था का क्या योगदान रहा आपकी कामयाबी में? सर नाइन्थ से सर हम लोग यहीं तैयारी कर रहे थे, तो सर यहाँ के सर लोग सर नाइन्थ से हम लोग को बहुत मदद की और सपोर्ट किए सर तैयारी करने में। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।